मैं सुबह सुबह सबसे पहले गया और अपनी बकरियों के लिए इतने ज़्यादा बेल्ट और ये रस्सी लेके आया हूँ। अब उन्हें जाके पहनाएंगे और वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगेंगी। पानी के अंदर ही ना हमने इतनी ज़्यादा मिट्टी डाल दी थी, अब जहाँ पर ज़्यादा मिट्टी होती है ना हमारी कैटफिश उस मिट्टी के अंदर खुद को छुपाने की कोशिश करती है। अभी भी देखें इसने खुद को दबाया हुआ। चलो भाई जल्दी से उठ जाओ, सबके लिए रस्सियाँ आ चुकी हैं, वो समझ रही है खाने के लिए कुछ लाया हूँ। ये देखें तो इनकी रस्सियाँ जो है काफ़ी बुरी लग रही थी, तो अब इनको हम एक जैसी प्यारी सी रस्सियाँ और साथ में बेल्ट डालने वाले हैं। अंदर चले जाएं सर जी, कुछ भी नहीं होता, चले जाएं चले जाएं। आज पुराने बदले लेने का वक्त आ गया जो आप हमसे लेते थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे कॉलेज के टीचर आज यहाँ पर आए हुए हैं सेटअप देखने के लिए, काफ़ी मेरे लिए खुशी की बात है। तो आज मैंने सोचा कि अपने बदले सर जी आज पूरे होंगे। आप हमें पढ़ाते थे ना, तो आज ये हैं टीचर, ठीक है ना। ये हमारे साइंस के टीचर थे, कंप्यूटर के टीचर थे, फिजिक्स के थे, तो आज ना सबसे बदले लेने हैं। सर जी आपको तो मैं कहता हूँ कि अंदर ही चले जाएं। अच्छा एक काम करते हैं, आप बाहर आ जाएं ना, ये खुद ही बाहर आ जाएंगे। अभी बाहर उन्हें लाते हैं ना, क्योंकि सर कह रहे हैं कि ज़रा बाहर घूम फिर के इन्हें देखना चाह रहे हैं। ये देखें ये हमारी सबसे लाडली है, ये कुछ भी नहीं कहती, लेकिन आपको थोड़ा सा साइड पे होना पड़ेगा क्योंकि इसमें आप भागना दौड़ना है ना खुश होने। ये लें जी खुशियाँ, चेक करें, ये थोड़ा सा ख़तरनाक है, ये आपसे बदला ले सकता है। टीचर हमारे जा चुके हैं, उनको पूरे घर का विजिट करवाया, अभी अपना काम करते हैं कि क्या हुआ। इब्राहिम ने मछली निकाल दी थी, तो फिर मैंने डाली था, पता नहीं क्या हुआ, मर गई अपने क्या है। तो उसने कैसे निकाल ली है पता नहीं, उसको मौका मिल गया। अरे एक तो वो बहुत ज़्यादा ढीठ है, पता नहीं बड़ी वाली छोटी वाली। छोटी वाली, चलो चलो चलो, कौन सी छोटी वाली, वो है किधर अभी? आए मैं उसे बताता हूँ कौन सी वाली। वो कौन सी नुक्कर पर बैठी है? वो शार्क है। उसको कैसे यार, ये उसके हाथ लगा है ना, ये देखो इसका हाल क्या किया है, ये तो नहीं फट गया कहीं? नहीं नहीं, यहाँ से उसने निकाली होगी ना, बाहर फेंकी होगी ना। ये तो बहुत ज्यादा डीट है यार, वो हर वक्त मछलियों के पीछे लगा रहता है, सुबह से इसके पीछे लगा हुआ था, बस मैं उस तरफ था, उसे मौका मिल गया, फेंक गया ना सारी चीजें अपनी, मिट्टी भी फेंक के, रेत उठा के, जो उसके हाथ लगता है ना उठा के इसके अंदर। चलो शुक्र है बच तो गई है ना, मरी तो नहीं है, देखना पड़ेगा। वो कार्नर में भी छुप के पड़ी हुई है, पता नहीं मरी ना गई हो यार, उसका कोई पता भी नहीं है। ये मुझे देना, उसे हिलाकर कोशिश करता हूँ, नहीं ठीक है जिंदा है। दोस्तों इनका हमें नाम पता चल चुका है, इनका नाम है डेनिश, और आप कितने ज़्यादा कमेंट्स बढ़ने के बाद ही पता चल है, मैंने खुद सर्च नहीं किया, इतना ज़्यादा कमेंट्स है ना। और यार आप में से कुछ बंदे ये भी कह रहे थे कि इनको यहाँ पर ना रखें, छोटी जगह है, तो इनको हम यहाँ से वैसे ही हटाने वाले हैं। इनको क्या सब के लिए मैंने आपको बताया, एक सरप्राइज़ है, लेकिन वो आराम से आपको बताऊँगा। लेकिन जब तक वो जगह नहीं बनती ना, तब तक इन बेचारों को तो कुछ दिन के लिए यहीं पर रहना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, ये फिर से आकर ना मछलियों को पकड़ना शुरू हो गया, अभी ये मेरे हाथ से आ जाओ, अभी नहीं बचेगा, आराम से भाग जाएगा। पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, क्या कर रहे हो? एक मछली से पकड़ी हुई है, ओए ये देखो, ये क्या कर रही हो? चलो हटो, छोड़ो इसे, हटो, निकालो इसे, निकल गई है, चलो चलो हमें दो, इधर दे दो, आराम से दे दो, इसको छुपाना है, इस नेट को हमने छुपाना, नहीं क्या नहीं करोगे? हाँ जी, ड्रामेबाज कम बनो ना, नहीं पकड़ूंगा। जो ही हम यहाँ से जाते हैं मजे से आ जाते हैं, और फिर जब हम यहाँ पर आते हैं यहाँ से भाग जाता है। ये तोड़ भी दी है, सारी तोड़ दी है, इधर दो, सारी तोड़ दी है, अब इसे नहीं देना यार, ये देखो सारी तोड़ रहा है, मैं रोजाना फिर ये लाता रहूंगा, अब नहीं इसे देनी, अब हम यहाँ पर रख देते हैं। ऑस्ट्रिच को हमने बंद कर दिया था ताकि ये शाम का दाना खा लें, अब इन्होंने शाम का दाना खा लिया, तो हम क्या करते हैं कि इनको फिर से बाहर निकालते हैं। इनको तो मैं खुद जानबूझ के निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये सामने देखें खेल रहे हैं, तो इनको मुझे खेलने नहीं, अब खेलो आराम से खेलो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी, शाबाश अब खेलेंगे, इधर भी देख लो, ये इधर ये अब खेलो, जाओ अब नहीं खेलेंगे। ये देखो दोस्तों, बेल्ट मैं सारे इस तरह के लाया हूँ, लेकिन यार एक प्रॉब्लम होगी, ये वाली जो रस्सी है ना ये खुल जाती है बार बार, तो इसे हमें जाकर बनवाना पड़ेगा, मतलब पांच जानवर हैं तो पांच रस्सियाँ बनवा कर लानी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम डाल सकते हैं, तो फिलहाल तो इतना टाइम नहीं है यार, इसको हम यहीं पर रख देते हैं, बाद में आराम से बनवा कर लाएंगे ना, तो तब हम इन सबको डाल देंगे, क्योंकि यार ये वाली जो रस्सियाँ हैं ना, ये देखें ये वाली रस्सियाँ काफ़ी अजीब सी लगती हैं, बुरी लगती हैं, तो मेरा यही दिल करता है कि मेरे जानवर भी जो है ना वो प्यारे लगें। रोज के निकलते ही वो सारे भाग के वहाँ पर चले गए तीनों, यार इतने ज़्यादा डरपोक हैं।
रोज एक मिनट पहले तुम्हारी सफाई कर लें। देखे ना यार कितनी ज्यादा इसके ऊपर मिट्टी, ओए होए होए होए, ये चेक करें, ओए होए कहां से इतनी ज्यादा मिट्टी आ जाती है यार। ये देखो ये हम बाहर छोड़ते हैं ना, हाँ जिधर खेलती है। हाँ हाँ हाँ, ये रेत के अंदर ना सोती है, ऐसे ऐसे करती है इस वजह से। तो खैर अभी ये देखें कितनी ज्यादा मिट्टी है यार, खुद को इतना ज्यादा गंदा कर लेती है। और दोस्तों इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, खरखरा, इसको खरखरका नहीं, खरकारी नहीं, खरखरा इसको कहते हैं, खरखरा। ये ऐसे लगाते हैं और फिर हो जाती है ये साफ, मतलब मिट्टी बाहर आ जाती है। फिर उसके बाद अगला काम करते हैं ये वाला, ये तौलिया, हम इसको ऐसे ऐसे मार देना ये बिल्कुल साफ हो जाती है। और ये वाला जो तौलिया है ना, ये मेरा तौलिया था, मैं घर से छुपा के ले आया था, काफी दिन घर वालों को मिला ही नहीं, अब पूछते भी रहे कहाँ गया कहाँ गया, मैंने बताया ही नहीं है। एक दिन घर वाले इधर आ गए तो उन्होंने यहाँ पर पड़ा हुआ देख लिया। ये सब बहुत बुरी आदत पड़ी हुई है, जिसका भी हाथ देखती है ना काटने की कोशिश करती है, खाने की कोशिश करती है। तो ये देखें जी माशाल्लाह इसकी अच्छे से सफाई हो चुकी है, और मैं खोलने लगा हूँ जल्दी से। ये ले अब ये पैर आएगी, डरती नहीं है बल्कि इससे डरती है, अब शुगर लगने वाला है देखना जरा। ओह अभी से डर गए, अभी तो उनको और डराएगी, लड़ाई होगी आज, या तो ये डराएंगे इसको या फिर ये डराएगी उनको, कुछ पता नहीं है यार। दोनों को इकट्ठा खोल दिया, आज पहली दफ़ा ऐसा किया है कि हमने अपनी रोज को भी बाहर निकाल दिया है और ऑस्ट्रिच को भी बाहर निकाल दिया है। इकट्ठे घुमा करें ना, एक दूसरे से दोस्ती हो जाएगी, ये ना दोस्ती दोस्ती से बुराई हो जाए, दोस्ती दोस्ती से लड़ाई हो जाए बुराई नहीं हो जाए। हाँ अभी तो फिलहाल वो अपने घूम रहे हैं, ये अपनी घूम रही है, कोई लड़ाई वाला चांस तो नजर नहीं आ रहा। चलो चल, ओए देखना आराम से, लात वात ओ भाग रहे, ऐसे ही भाग रहे हैं यार, इसने कुछ बोला ही नहीं है, अभी सब्र करो, मेल मुझे डराता है ना। चलो रोज शाबाश, भागो 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 शाबा भागो। ये क्या यार, ये उनकी तरफ जा ही नहीं रही, नहीं ऐसे नहीं मजा आ रहा। इसके ऊपर हम स्पोर्ट डालते हैं और फिर बैठ के राइडिंग करते हैं, इनके पीछे लगाते हैं रोज को, हो सकता है तब ये डर जाए और भागना शुरू कर दे। ओए 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 भागी है ओए, नहीं ज्यादा नहीं भगो यार, कहीं ऐसा ना हो ये मुझे नीचे, क्या यार ये एक तो जैन जान वो डंडा उठा लाया, आप देखना जरा मैं तो साइड पे हो जाऊँ ना। ओए 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 यार ये क्या हो गया यार, ओए डंडा रखो है तुम्हारी वजह से, वो देखो वो डर गया, वो इनको भगा रही है। यार ये क्या हो गया है, रोज रोज ओए तोड़ देंगे यार, वो रुक गई है, बच गए बच गए बच गए, ये शुक्र है यार। ओए डंडा अंदर रखो है, ये क्या डंडे से ऐसे ही देख के ना, डंडे को डर गई है यार, शुक्र है अब इसे अंदर बंद कर दे हैं, ये गलत बात है यार। हमारी ऑस्ट्रिच भी खाते हैं मिट्टी और रोज भी मिट्टी खाती है, कम से कम तुम्हें तो नहीं खानी चाहिए, क्यों मिट्टी खाती है। चलो मेरे साथ इसे अंदर लेके जाते हैं, नहीं आएगी अंदर, चलो अपने, वो कह रही पहले मिट्टी खा ली, अपने अपने घर के अंदर जाएगी जाएगी, नहीं जा रही यार, ये भी नहीं जा रही, और इसलिए डरा करना वो देखें, ऑस्ट्रिच को भगा दिया, वो बेचारे वहां जाकर खड़े हो गए, अहमद ने जाकर दरवाजा खोला और सारे ऑस्ट्रिच भाग गए हैं इसके डर से। अब कम से कम ऑस्ट्रिच अंदर नहीं जाएंगे ना, तो इसे खोल दिया करूंगा। चलो तुम भी अपने घर के अंदर, यार ये नहीं जा रही, जाके रस्सी ले आओ, इसे भी अंदर लेके जाते हैं ना, अब इसके खाने का टाइम हो गया, इसे कुछ चारा वगैरह देते हैं, ऐसे बाहर मिट्टी खा रही है ये, अब बस मस्तियों पे, अब ये यहाँ पर ना ऐसे भागना शुरू कर देगी, देखिए कैसे माशाल्लाह भागती है, कितनी प्यारी लगती है यहाँ पर ही ऐसे भागते हुए। इसे क्या हो गया, इसे इसे खांसी लगी हुई है, देखा है ना यार, इसकी खांसी का इलाज तो चल रहा है, पता नहीं फिर भी इसे क्यों इतना खांस रही है, ये क्या कर रही है, क्या हो गया रोज, रस्सी खुली छोड़ी है तो तुम एकदम से ना ज़्यादा ही कुछ फ्री होने लग गई हो, आ जाओ इधर, आओ इधर इधर मेरे पास, आ जाओ आ रही है शाबाश। इसका कोई पता भी नहीं है यार आज ये जितनी मस्तियाँ करी है, कहीं कोई लात वाती ना मार दे यार। पिछले 2-3 घंटों से हम फार्म हाउस से गायब हैं, और यहाँ पर क्या चल रहा है, ये दोनों तो इधर हैं, ये बैठा हुआ है भालू, ये इधर, और एक बेला, बेला भी यहीं कहीं घूम रही होगी, और ये देखें बच्चों की बाल भी यहाँ पर, ओए नहीं इसको नहीं, हाँ ये इनकी होगी पक्का, इनकी होगी या फिर इनकी, यार ये कोई कंफर्म पता नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पर फेंकते हैं, जो भी होगा ना वो आके ले लेगा। और रोज वहाँ पर उसने मेरी आवाज़ सुन ली है, बोलना शुरू कर दिया, हाँ भाई यहाँ पर क्या चल रहा है, ओए मुंडा गिरा तो नहीं दिया, नहीं गिराया तो नहीं है, इसको गिरा दिया, इसको वापस ऊपर रखते हैं, आ जाओ खा लो, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये
चली गई। ये अब मेरे पीछे पीछे आ गया और ये इतना ज्यादा चलाक है, ये दरवाजे से नहीं आएगा, ये यहाँ से आएगा, इधर से उतरेगा और सीधा इस घर में चला जाएगा, पूरी रात ये यहीं पर गुजारेगा। यार ये जिम की लाइट कौन जलाकर चला गया, ये क्या हो रहा है, जिम लगाई जा रही है, ऐसे नहीं होता, मैं बताता हूँ, ऐसे जिस्म खराब हो जाता है। फुल नीचे लेके आओ और ऐसे, या तो हमारे जिम का टाइम हो गया ना, तो इसे टाइम का पता है, मैं इसे पहले पहुंच जाता है, कभी कभी हमारे साथ जैन भी होता है, लेकिन अभी वो घर जा चुका है और इस वक्त मैं और यही यहाँ पर जिम लगाते हैं। या दूसरे चैनल के लिए ना वीडियो बनाने का वक्त नहीं मिलता, और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिन इस चैनल पर भी आपको वीडियो ना मिले, क्योंकि कल से हो सकता है मैं घर पर ना हूँ। मैंने आपको बताया था इब्राहिम के भाई की सर्जरी है, तो कल हमें एडमिशन की डेट मिली है, एडमिशन के 5 दिन बाद सर्जरी है, और सर्जरी के तकरीबन 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहना, तो यानी कि 10-15 दिन तो पक्के, अगर मुझे बीच में टाइम मिला मैं घर आया तो वीडियो बना पाऊंगा, वरना नहीं बना पाऊंगा। और इंशाल्लाह जब मैं बिल्कुल, आपने दुआ करनी है बस ये सर्जरी अच्छे से हो जाए, मैं अच्छे से घर आ जाऊं, सारी टेंशन मेरे सर से उतर जाए, तो उसके बाद फिर मैं इस चैनल पे जैसे रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ ना, कोशिश करूँगा कि अपने दूसरे व्लॉगिंग वाले चैनल पर भी रेगुलर नहीं तो हफ्ते में 1-2 वीडियो पक्की बना लिया करूँ। बस यार कुछ अरसे से हम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आपको पहले भी बताया, बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो बाकी अभी मुझे जल्दी से जिम लगाना है और फिर सो जाना है। आज के जो व्लॉग था वो यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म, मुझे रखिएगा अपने दो में यार, अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उस अकेले गई जा रहे हो, बस करो, इतनी ज़्यादा नहीं लगाते हो, जिस्म ख़राब हो जाता है, बस आज की तुम्हारी हो गई है, ठीक है ना, अब बस, अब एक काम करो, अब इधर आके ना सुकून के साथ सो जाओ, तुमने बहुत लगा लिया।